इस समय की अहम और बड़ी खबर बता रहे हैं। रायबरेली के अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स में बीती 6 फरवरी को हार्ट लंग मशीन स्थापित किए जाने के बाद पहली ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। हार्ट लंग मशीन ओपन हार्ट सर्जरी के लिए आवश्यक होती है। इस मशीन की स्थापना के समय ही एम्स डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद राजवंशी ने कहा था कि जल्द ही यहाँ ओपन हार्ट सर्जरी शुरू हो जाएगी। इसके बाद ही दिल में छेद की शिकायत के साथ आए हुए मरीजों की ओपन हार्ट सर्जरी की गई। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद राजवंशी के मुताबिक ओपन हार्ट सर्जरी उत्तर प्रदेश के गिने चुने संस्थानों में ही होती है, जिसमें एम्स रायबरेली का नाम भी जुड़ गया है। डॉक्टर अरविंद राजवंशी ने बताया कि ओपन हार्ट सर्जरी में दिल को रोककर उसकी रिपेयरिंग की जाती है और अब एम्स रायबरेली में संभव है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बाईपास सर्जरी के लिए मरीज को लखनऊ या दिल्ली के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अहम और बड़ी खबर और रायबरेली सहित तमाम आसपास के जिलों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब एम्स में हार्ट लंग मशीन स्थापित होने के बाद ओपन हार्ट सर्जरी की शुरुआत हो गई है। फिलहाल सक्सेसफुल ऑपरेशन था। हम आपको इस समय की अहम और बड़ी खबर बता रहे हैं। रायबरेली समेत कई आसपास के जिलों को इसका फायदा दिखता नजर आ रहा है। S7 के लिए नीरज श्रीवास्तव के साथ अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली में पहली बार खुले दिल का ऑपरेशन किया गया। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और स्वर्णिम है। आज डॉक्टर संकल्प ने एक मरीज जिसके दिल में छेद था उसका हार्ट का ऑपरेशन किया। उन्होंने इसमें मरीज के हार्ट को बंद किया और उनके हृदय को हार्ट लंग मशीन पर डाल दिया। इसके बाद उनके सफल ऑपरेशन किया गया और वह छेद जो कि दिल में था उसे बंद कर दिया गया। इसके बाद मरीज की हालत स्थिर है तथा उसको जो लक्षण थे उसमें काफी आराम मिला है।